पोहरी में विकास यात्रा का हुआ शुभारंभ। बड़ी खबर पोहरी से आ रही है। आज पोहरी विधानसभा क्षेत्र में आज ग्राम पंचायत सालोदा से विकास यात्रा का शुभारंभ हुआ। इस यात्रा में विकास रथ बनाया गया है, जो आज 5 फरवरी से 25 फरवरी तक प्रत्येक दिन 5 ग्राम पंचायतों में से होकर गुजरेगा। विकास रथ में एक शिकायत पेटी भी बनाई गई है, जिसकी जो शिकायत है वह इस पेटी में डाल सकता है, उस शिकायत का जल्द ही समाधान होगा। इस दौरान राज्य मंत्री सुरेश धाकड़ राठखेड़ा ने अपने विकास कार्य की शिलान्यास कर पौधारोपण किया। इस दौरान राज्य मंत्री राठखेड़ा ने भाजपा द्वारा चलाई जा रही शासन की योजनाओं की उपलब्धियां बताई। इस विकास यात्रा के दौरान साथ में पोहरी SDM राजन बी नाडिया, पोहरी एवं बैराड़ के भाजपा मंडल अध्यक्ष, सरपंच, जनपद सदस्य सहित समस्त विभागों के अधिकारीगण, कर्मचारी एवं भाजपा कार्यकर्ता मौजूद रहे। पोहरी से संवाददाता धीरेन्द्र शर्मा की रिपोर्ट। भाजपा प्रदेश में विकास यात्रा निकाल रही है, इस यात्रा के माध्यम से प्रदेशवासियों को क्या संदेश देना चाहती है? हम सबके लोकप्रिय मुख्यमंत्री आदरणीय शिवराज सिंह चौहान जी के मार्गदर्शन में पूरे प्रदेश में विकास यात्रा निकाली जा रही है। विकास यात्रा का एक ही महत्व है कि हम जाके अपने लोगों को ये तो देखें उस योजना का लाभ उनको मिल रहा नहीं मिल पा रहा, और क्या क्या ऐसी चीज़ जरूरत है हमको, उसकी हम पूर्ति कर पाएँ, कौन कौन गांव में अर्जेंट चीज़ें हैं उनके लिए हम योजना बनाएंगे। पानी की बात है, महिलाओं के पेंशन की बात है, तीर्थ यात्रा पर लोग जाते हैं उनकी बात है, हम सारी योजनाओं को फोकस करते हैं और अपनी योजनाओं को गांव में जाके अपने परिवार के लोगों को बताना चाहते हैं। और परिवार के लोगों को ये लगना चाहिए कि सारी योजना हम सबके लोकप्रिय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान मामा हमको दे रहे हैं। अभी अभी इतनी बड़ी घोषणा उन्होंने की है कि हर बहन को, अभी तक केवल सिर्फ हम आदिवासी बहनों को 1,000 रुपये डालते थे, अब हर बहन को 1,000 रुपये हम डालेंगे। ये विकास, हमने इतना विकास किया हम बता नहीं पाते थे, इसलिए भाजपा का एक एक कार्यकर्ता रोड पर आके गांव-गांव जाके अपनी योजनाओं को अवगत करा रहा, उससे हम सबको ये एहसास होगा, गांव वालों को भी पता होना चाहिए कि हमारी क्या क्या योजना है। सारी योजनाओं का प्रचार प्रसार हम लोग सब लोग बैठ के कर रहे हैं।